कॉमेडी के बेताज बादशाह द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुके। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बीते साल फिल्म भारत में सलमान खान के साथ अहम भूमिका निभा चुके कॉमेडी प्लस एक्टर सुनील ग्रोवर फैंस को बड़ा झटका दे गए हैं। सुनील ग्रोवर से जुड़ी ये बुरी खबर आ गई है उनके चाहने वालों के लिए कि घर में क्वारंटीन रहने वाले सुनील ग्रोवर ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एंटरटेनमेंट डोज की जानकारी दी। वहीं सुनील ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर कोरोना के समय परेशानी के कई मज़ेदार पोस्ट भी शेयर किए थे, लेकिन सुनील ग्रोवर ने जिस तरह से सलमान खान का सपोर्ट किया था उन्हें काफ़ी ट्रॉल भी किया गया था। लेकिन ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद, उनके जाने के 45 दिन बाद, क्यों आखिर सोशल मीडिया से दूरियां उन्होंने बनाई, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सुनील ग्रोवर ने कहा, टू मच इज़ हैपनिंग, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, सी यू आफ्टर 10 to 12 hours, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। सुशांत के जाने पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के परिवार ने केस दर्ज कराया है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस कुमकुम और एक्शन डायरेक्टर परवेज इनका निधन हो गया है। बच्चन परिवार कोरोना के संक्रमण से अब भी लड़ रहा है, जिसकी वजह से सुनील काफ़ी परेशान और चिंतित हैं। करण जौहर को लेकर कंगना रनौत का जंग, नेपोटिज्म के खिलाफ जंग अब भी जारी है, इसमें बॉलीवुड दो गुटों में बट गया है। इसी वजह से परेशान सुनील ग्रोवर ने लिखा, एक ब्रेक की ज़रूरत है, यानी कि वो ब्रेक ले रहे हैं। यूज़र ने लिखा, चांद पर जाकर आ सकते हैं इतने ब्रेक में, आपने इतने बड़ा ब्रेक क्यों लिया। तो दूसरे ने लिखा, भाई ये तो बहुत बड़ा ब्रेक है, बिना बताए भी आप ले सकते थे, यानी कि सिर्फ रात भर के ब्रेक के लिए सुनील ग्रोवर काफ़ी ट्रॉल किए गए। तो वहीं इसके पर कैटरीना कैफ ने भी कमेंट किया। कैटरीना ने लिखा, आई लव यू, कोरोना की वजह से घर में कैद लोगों के लिए सुनील ग्रोवर का इंस्टा अकाउंट एक एंटरटेनमेंट डॉट से कम सामने नहीं आ रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।